ट्रेन द्वारा लाए जा रहे मजदूरों को स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा लगातार गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों का स्कैनिंग किया जा रहा है। स्कैनिंग के दौरान यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान अत्यधिक है या फिर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो उसे मौजूद चिकित्सकों द्वारा उस यात्री का इलाज भी कराया जा रहा है। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, अगर उसमें कोई बुखार से पीड़ित पाया जाता है या किसी सिम्टम्स से ग्रसित पाया जाता है तो उसे हम एम्बुलेंस द्वारा अपने क्वारंटाइन सेंटर ले आके और फिर वहाँ रखते हैं, वहाँ जांच होती है, जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई करते हैं। अन्य को प्रशासन द्वारा बसों द्वारा उनके गंतव्य स्थानों को भेज दिया जा रहा है। लगातार स्कैनिंग हमारे सभी बॉर्डर्स पे प्रतिदिन राउंड द क्लॉक 7/24 चल रही है, वो चाहे सहजनवा का बॉर्डर हो, चाहे हमारे देवरिया का बॉर्डर हो, महाराजगंज का बॉर्डर हो, इन सभी जगह राउंड द क्लॉक स्कैनिंग हो रही है। जो इधर उधर से ट्रक से इन सब से आ जा रहे हैं उनकी भी स्कैनिंग होती है और जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं उसके लिए हमारी टीमें जो एक तरह से आशा, आंगनबाड़ी, ANM, वहाँ के पंचायत के सेक्रेटरी, इन सब की एक निगरानी टीम बनी हुई है, वो अपना कार्य शुरू कर दे रही, कल से शुरू कर देगी और वो सभी घरों में जाकर एक पॉम्पलेट चश्मा करेगी जिस पर लिखा होगा कि आपका पीरियड क्वारंटाइन का ये है। उन सबको 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड करना है और उनको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, बाहर निकलना नहीं है, लॉकडाउन का पालन करना है और अगर कोई बुखार, खांसी, जुकाम या सांस फूलने की कोई शिकायत होती है तो उस पॉम्पलेट पे हमारे नंबर्स लिखे हैं, टोल फ्री नंबर्स लिखे हैं और हमारे कंट्रोल रूम का नंबर लिखा है, उस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बताएं, उसके आगे की कार्रवाई, इलाज हम लोग करेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण